तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूलाज का रिवीजन करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, इफ ए टू बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो इस फॉर्म का आएगा। और अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज वन रूट लाइंग इन ए टू बी प्रोवाइडेड एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी। अगर ए टू बी में इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स उसका एटलीस्ट वन रूट तो इसमें लाई कर रहा है, तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ये सेम ही होता है प्रोवाइडेड एफ इज सेम। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टू, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से भी तुम इस चीज को लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, यहाँ पे तुम स्प्लिट कर सकते हो ऐसे, वेर सी मे लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल इंटरवल। और ये प्रॉपर्टी यूज होती है जब एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, मतलब तुम्हें मतलब कई पार्ट्स में करना हो, जैसे 1 to 3 में इंटीग्रल करना हो तो 1 to 2 में तुम्हारा फंक्शन कुछ और हो, 2 to 3 में कुछ और बन जाए, तो उस हिसाब से पीस वाइज तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स इज एन इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, मीन्स अगर ये हो, और ये 2 times 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा जब एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वो ऑड फंक्शन हो, और इवन फंक्शन हो तो 2 times 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ऑड फंक्शन का मतलब तुम इससे देख सकते हो, इवन फंक्शन का मतलब तुम इससे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इन पर्टिकुलर अगर 0 to f(x) dx की बात करें, सो उसको इंटीग्रल 0 to a(f(a-x) dx भी लिख सकते हो। सिंपल यही प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट करनी है बस। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a-x dx फ्रॉम 0 to a, और ये 2 times 0 to f(x) dx से इक्वल हो जाएगा अगर एफ ऑफ 2a-x एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, और 0 हो जाएगा अगर एफ ऑफ 2a-x माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to n a इज इक्वल टू अपन n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a कर सकता है, जहां a है जो पीरियड ऑफ द फंक्शन होता है, मींस एफ ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट अपन को यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, सो इसको अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, जहाँ एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है और यहाँ पे n एक इंटीजर है, सो इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एम ए टू एन ए, इसको एन माइनस एम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx लिख सकते हो, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद ए, सो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो। एंड एम एंड एन यहाँ पर इंटीजर है, सो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर फाई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फॉर एक्स की वैल्यू ए टू बी, सो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी लेस देन होगी दिस इंटीग्रेशन से, भी तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फ्रॉम ए टू बी, सो इसका फिर तुम यहाँ पे ये मोड लोगे, सो वो लेस देन आएगा, पहले तुम एफ ऑफ एक्स का मोड लो और उसका ए टू बी तक इंटीग्रेशन करो, सो ये चीज है तुम ध्यान रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन द इंटरवल दिस, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी सिंपली। फिर वॉलिस फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर एन एंड कॉस एक्स की पावर एम डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, इसको तुम यहाँ पे n-1 n-3 n-5 यहाँ पे अप टू 1 और 2 तक जा सकते हो, m-1 n-3 यहाँ पे भी 1 और 2 तक जा सकते हो, नीचे m+n m+n-2 m+n-4 1 और 2 जहाँ तक भी जाना है वो डिपेंड करेगा ऑड या इवन पे, और इधर के आता है मल्टीप्लाई में, और के की वैल्यू π/2 के इक्वल होती है अगर एम और एन इवन होता है, और अगर एक ऑड है या एक इवन है या दोनों ऑड है तो उस केस में 1 होती है, तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद डेरिवेटिव
ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन है ऑफ एक्स। सो अपन को इस इंटीग्रेशन का फिर डेरिवेटिव करना है, तो डायरेक्ट क्या होता है, एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स, ये तुम ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम लिख सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एफ ओफ ए प्लस एफ ओफ ए प्लस एच एफ ओफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ओफ ए प्लस एन माइनस वन एच। सो ये रेक्टेंगल वाले जो कॉन्सेप्ट था उससे आया है। सो यहाँ पर तुम बोल सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये समेशन वेर बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच। इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन देन दिस, यहाँ पे ये वाली चीज बन जाएगी। सो ये इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है व्हेन एवर एन वेयर वेयर एन एच इज इक्वल टू 1। सो तुम ये वाली चीज ऊपर वाली चीज ध्यान रखो, यहाँ पे रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, ये वाला ये इस इंटीग्रल को ऐसे समेशन ऑफ दिस चीज लिख सकते हैं यहाँ पर एच एच टाइम समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच। इस तरीके से लिमिट एन एच टेंडिंग टू जीरो एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच इस चीज का। और फिर अगर ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 1 हो तो उस केस में एन एच यहाँ पर अपना 1 हो जाएगा, और ये जो चीज है वो यहाँ पर 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस क्वांटिटी, यहाँ पे तुम देख ही सकते हो उस चीज को, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, मीन्स तुमने पढ़ी होगी ये चीज। उसी को मतलब सेकंड फॉर्मेट में लिखना हो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर की एफ ऑफ ये यहाँ पे वन अपॉन एन है, यहाँ पे एफ ऑफ आर एन है। इस तरीके से मैं बोल रहा था यहाँ पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/n दे रखा होगा, ये एफ ऑफ आर बाय एन होगा इस तरीके से। और आर यहाँ पे 1 to n यहाँ पर देख सकते हो, इसको तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखे तो फॉर ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पर ए टू बी जो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है वो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए से तो लेस होगा, और एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए से मोर होगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन उस केस में एफ ऑफ ए बी माइनस ए से ग्रेटर होगा और इससे लेस होगा। तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो इसको। सो सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन देखते हैं, तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ये एल एन टू के इक्वल होता है। यहाँ पर ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी पाई स्क्वायर बाय 6 होता है, वैसे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ये पाई स्क्वायर बाय 12 होता है, और 1/1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर ये पाई स्क्वायर बाय 8 होता है, और वैसे 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर ये पाई स्क्वायर बाय 24 होता है। ये सारी एक ही सीरीज है, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया गया है। सो इस चीज का ध्यान रख सकते हो। सो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है।